रामराज नहीं चाहिए ना, खाना चाहिए सबको। और जैसा मोदी जी का डमरू बजेगा वैसे उनके बंदर नाचते हैं। मजदूर चोरी नहीं करते, लोग भूखे मर रहे हैं बेचारे, पूरा पूरा दिन काम कर रहे हैं, उसके बाद सैलरी नहीं मिल रही है। उनके साथ अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं और ऐसे दो चार मोदी और हैं जो पैसा ले लेकर के भाग गए। गवर्नमेंट जो हमारी इस समय है वो बिल्कुल मजदूर विरोधी है, छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है। लोकतंत्र है ही नहीं बहन, अभी बचा ही नहीं लोकतंत्र। शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे पोस्टर तो देख ही सकते हैं, हालांकि आप लोग लगातार, मैं इस खबर से आपको रूबरू कराते रहती हूँ कि नरेगा के जो मजदूर हैं वो लगातार 50-60 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरी भी की है पहले दिन से लेके, और आज 60वां दिन है शायद। तो हम इनसे बात करेंगे कि क्या मजबूरी है सरकार की या इन लोगों की, एक तो 60 दिन हो चुका है यहाँ पे बैठे बैठे और सरकार सुन नहीं रही है, इस पर क्या कहेंगी आप? जी, हम यही चाहते हैं कि हमारे जो हमारे यहाँ पे महिला मेट हैं उनके लिए ब्लॉक कर्मी घोषित किया जाए। दूसरा जो 20 लेबर वाला चार्ज है ये हटा दिया जाए, और हमारा जो यूपी इन्फेक्ट ऐप था वही चालू करा दिया जो नया आया है। ये हमें ये वाला काम करने में हम सहमत नहीं हैं इससे। कहते हैं सरकार की मजदूर चोरी करता है इसीलिए उन लोगों को तकलीफ होती है, हम लोगों ने आधार कार्ड से लिंक करवा दिया ये सारी चीज़, वो लोग चोरी करते हैं इसलिए वो लोग भाग रहे हैं। मजदूर चोरी नहीं करते हैं, मजदूर चोरी कैसे कर लेंगे? बेचारा मजदूर पूरे दिन मिट्टी डाले, उसके बाद हम फोन पे गए उनका हाजिरी लगाने गए, अब पता चला नेट ही नहीं चल रहा है। बेचारे की पूरे दिन की मेहनत गई, नेट नहीं चला, उनकी एब्सेंट हो गई और उस बेचारे ने पूरा दिन अपना पसीना बहाया है। क्या फ़ायदा है ऐसे ऐप से? सरकार को मजदूरों के लिए कुछ करना चाहिए। मजदूर की ही सरकार है, मजदूर के लिए ही कर रही है, गरीबों की सरकार है। अगर गरीबों की सरकार होती तो क्या कर रही है? क्या कर रही है मजदूर? रामराज आ गया है। रामराज नहीं चाहिए ना, खाना चाहिए सबको। रामराज नहीं चाहिए हैं? मंदिर नहीं चाहिए, नहीं मंदिर नहीं चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, रोजगार चाहिए, बेरोजगारी भत्ता चाहिए और सुरक्षा चाहिए महिलाओं के लिए। एयरपोर्ट फ्री कर दिया गया है, एयरलाइन एयर टिकट जो है फ्री, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी है दिल्ली सरकार ने फ्री कर दिया, बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा नहीं किया, ये सारा कुछ लड़ाइयाँ बहुत पहले से चल रही थी और वो सब वोटों की राजनीति है। दूसरी बात ये है कि कितने मजदूर हैं जो कि वहाँ जा करके एयरपोर्ट में घूमते हैं, जब उनको एयरपोर्ट जाने का मतलब नहीं है, तो उनके लिए फ्री हो या कुछ हो क्या फायदा है? तो सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो किसका साथ किसका विकास? अडानी जी का साथ है ना, उनके साथ अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं और ऐसे दो चार मोदी और हैं जो पैसा ले लेकर के भाग गए हैं। आप ऐसा बोलेंगी प्रधानमंत्री के बारे में? प्रधानमंत्री के लिए नहीं, हम तो पूरा बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री तो बीजेपी गवर्नमेंट का है ना, हम तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो हमारी इस समय है वो बिल्कुल मजदूर विरोधी है, छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है और मतलब सिर्फ पूंजीपतियों का। हाँ, पूंजीपति कह रही है कि मतलब ये जो बीजेपी की सरकार है सारी चीजों के विरोध है, लेकिन आप देख रहे हैं अतीक अहमद जैसे कुख्यात अपराधी को मार गिराया, बहुत बढ़िया किया। रास्ते में किसी को चलते हुए गोली मार दो आप, ये कानून के अंतर्गत हुआ है? जब आप कहते हो ना कि हमारा देश तो बिल्कुल कानून से चलता है, तो कानून में ऐसे कहाँ लिखा है कि कोई आदमी सड़क पे चल रहा है और उसके इस कनपटी पे पुलिस वालों के साथ तो में अपराधी घोषित तो करो, उसके बाद उसे अपराधी तो है या अपराधी था ही तो अपराधी था ही बात नहीं है, अपराधी था उसको सजा मिलनी चाहिए ना। कानून में जो कानून के नियम होते हैं उनका तो पालन नहीं हुआ, कानून का जो कानून है जो हमारे यहाँ का संविधान है उसका तो उल्लंघन कर दिया। आप तो यूपी से आती हैं और यूपी में रामराज भी और साथ में बुलडोजर बाबा भी चल रहा है, बुलडोजर बाबा से तो सब लोग खुश हैं कि जो भी गलत करता है बिल्डोजर चलता है उसके घर पे। हाँ बिल्कुल, लोगों को उसमें बुलडोजर में दबा के मलबा में दबा के मार दो, बहुत अच्छा है। रामराज का मतलब ये नहीं होता है कि लोगों की समस्याएं बढ़ा दो, रामराज का मतलब ये होता है लोगों की समस्याएं कम हो, गरीब लोगों के लिए थोड़ी सहूलियत मिले। ये कहाँ का रामराज हो गया कि लोगों के लिए, लोग भूखे मर रहे हैं बेचारे, पूरा पूरा दिन काम कर रहे हैं उसके बाद सैलरी नहीं मिल रही है। अगर लग भी गई प्रेजेंट तो महीनों के सालों सैलरी नहीं आ रही, दुनिया के हजारों योजनाएं बना रखी हैं, पैसे किसी में देने नहीं है, उनका क्या जा रहा है? उनका कुछ नहीं। आप लोग यहाँ पे लगभग 50-60 दिन से यहाँ पे हैं, 55 दिन हो गए हैं लगभग, तो आप लोग यहाँ पे 55 दिन से हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन दूसरी तरफ है कि सरकार ये दावे कहती है कि कुछ भी हो जाए मोदी जी ही आएंगे, ये कहाँ से आत्मविश्वास उनको आ रहा है? कोई ना कोई तो उनसे खुश होगा। बहुत सारी चीजें, खुश कोई हो या ना हो, उनके हाथ में सारे पावर है, वो चाहे ईवीएम चोरी करें,
चाहे वो ईवीएम की मशीनें खराब पड़ी रहें, चाहे वो बटन फिक्स करके इलेक्शन करवाएं, उनके लिए तो खुशी की बात है। तो उन्हीं का साथ है, ऐसे ही लोगों का साथ है, ऐसे लोगों का विकास हो रहा है। तब तो एक तरह से आप कह रही हैं कि लोकतंत्र खतरे में, क्योंकि लोकतंत्र है ही नहीं बहन, अभी बचा ही नहीं लोकतंत्र। अगर लोकतंत्र होता तो हमारी लड़कियां कारों के साथ घसीटी ना जाती। अगर लोकतंत्र होता तो ये जो नरेगा मजदूर यहां आकर के बैठे हैं 55 दिनों से, इनको आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर लोकतंत्र होगा तो शहर में रोजगार गारंटी कानून होगा और शहर के लोग भी बजाय परेशान होने के सरकार से अपना रोजगार मांग सकेंगे। लोकतंत्र प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, राजतंत्र है ये तो मोदी तंत्र है जी, बिल्कुल मोदी तंत्र है। और जैसा मोदी जी का डमरू बजेगा वैसे उनके बंद नाचते हैं, सीधी बात है। अगर मेरे को बंद करना है तो बंद करो, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल दिया आपने तो आपको जेल हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार को आम जनता से कोई मतलब नहीं है, सरकार को सिर्फ उन लोगों से मतलब है जिनके वोटों से वो गद्दी पर बैठे हुए हैं, उनको उन्हें खुश रखना है। शायद देखा नहीं होगा, जब भी कभी होली दिवाली होता है तो मोदी जी जवानों के साथ होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। दिखावे मैडम, हाँ वही दिखावे तो दुनिया करती है। पब्लिक में हीरो बनने के लिए कुछ तो करेंगे तब तो हीरो बनेंगे। गरीब माँ के बेटे हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, चाय बेच के प्रधानमंत्री बना है। एक मिनट, चाय बेच के भले किसने देखा, किसने देखा, आपने देखा, मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। ये मोदी जी कुछ भी हो, कलाकार बहुत अच्छे हैं। ये जो है ये मेरे शब्द नहीं है, हालांकि मैं ये इनके शब्द हैं कि ये कह रही है कि मोदी जी कुछ भी हो कलाकार बहुत अच्छे हैं। और ये लोग 50 दिन से यहाँ पे मौजूद हैं और ये लोग 100 दिन तक यहीं पे रहेंगी। अब कब तक सुनेगी सरकार, आखिरी सवाल, कब तक लगेगी? तो संघर्ष करना हमारा काम है, संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। इतनी धूप में ये महिलाएं बच्चों को साथ लेकर के आप देख रहे हो, बदायूं से आई हैं अपनी बात रखने के लिए। हमारे पास एक ही हथियार है, वो है लड़ाई। और लड़ाई हम वो ईंट पत्थरों वाली और गोलियों वाली नहीं करते हैं, हम लड़ाई करते हैं आंदोलन की, वो हम करेंगे और जब तक हम कर सकेंगे हम करेंगे। सिस्टर, मैं योगी जी मोदी जी को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर उनको मतलब लेबर का या मजदूरों का पेमेंट नहीं करना है, साथ नहीं देना है, तो कृपा करके हाथ जोड़ के निवेदन है उन लोगों से कि योजना ही नहीं चलाएं। योजना दुनिया की हजारों योजना चला रखी है, उनको ना चलाएं, ताकि हम घर पे जो करते हैं वो तो करें, अपना जो करते हैं वो भी छोड़ के उनका काम करने जाते हैं। वहाँ काम करते वहाँ से कुछ मिलता नहीं है। अब मान लो हमें महिला मेड बना दिया गया, अब वो नया ऐप दे दिया है, हम मजदूरों की प्रेजेंट लगाएंगे वहाँ जाके, अब हमारी वजह से अगर नेट नहीं चला कुछ भी, मतलब हमें जिम्मेदारी दी ना प्रेजेंट लगाने की, अगर नेट नहीं चला बेचारे, चलो हमें नहीं मिल रहा, हमें पहले तो हमें भी चाहिए, क्योंकि हम भी कोई बहुत बड़ी प्रधानमंत्री हैं नहीं, तो दूसरा हमारी वजह से 100-200 मजदूरों की घाटा हो गया कि ऐप चला नहीं, उनकी प्रेजेंट नहीं लगी, उन्होंने बेचारे सुबह से शाम तक पसीना बहाया, उसके बाद उन्हें कुछ मिला भी नहीं, उनके बीवी बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं। इससे अच्छा तो वो योजनाएं नहीं चलाएं, बंद कर दें, बस उन लोगों से यही हाथ जोड़ के निवेदन है। वो यही कह रहे हैं कि ये योजना बंद हो जाए। मैडम क्या बोल रहे हो, वो तो खुद चाह रहे हैं कि इससे तो कोई फायदा नहीं, नहीं नहीं वो बात सही है। आप ये जब आदमी को गुस्सा आता है तो वो कुछ भी बोलता है, लेकिन गवर्नमेंट यही चाह रही है कि धीरे धीरे ये नरेगा को हम बंद कर दें, जो कि इतने सारे संगठनों ने बहुत संघर्ष के बाद ये कानून ग्रामीण जनता के लिए हासिल किया था, उसको चाह रही है सरकार की। बजट देखिए ना, बजट में कितना कटौती कर दिया, पिछला ही नहीं अभी तक लंबित है सारा, और उन्होंने बजट और कम कर दिया, तो ये तो जा तो उसी तरफ रहे हैं बंद करने के लिए। देख सकते हैं लगातार ये लोग कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, ये नरेगा को खत्म करना चाहती है, लेकिन इन लोगों की संघर्ष जारी रहेगी। 100 दिन तक का इन लोगों का प्रण है कि 100 दिन तक हम लोग यही जंतर मंतर की धरती पर रहेंगे। इन्होंने एक और अच्छी बात कही है, अच्छी नहीं कहेंगे लेकिन जो मोदी भक्त है उनको शायद बुरा लग सकता है, कि ये ना लोकतंत्र है ना प्रजातंत्र है, ये मोदी तंत्र है। आप लोग की इस पूरी खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। धन्यवाद।